तर्जमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने ऑस्कर के लिए द कश्मीर फाइल्स की शॉर्टलिस्ट होने पर हैरत का इजहार किया है। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए अच्छा काम किए बगैर मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान तकसीम को बढ़ावा दिया है। फिल्म वास्तविक जीवन नहीं होता है, पहली बात तो यह फिल्म एक फिल्म है कि रियल है। और दूसरी बात मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि अब फिल्म को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, उस फिल्म ने पहले भी व्यापार किया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी पंडितों के हालात हैं उसके ऊपर ये फिल्म बनाने वाले और फिल्म पर राजनीति करने वाले जवाब क्यों नहीं देते। आप मुझे बताइए, आप कितना कवर करते हैं रोज जाके, आप देखते हैं ना, पिछले 4.5 महीने से जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लाई हैं वो सड़क पर धरने पर बैठे हैं, वो स्कूटी मांग रहे हैं, उनको स्कूटी नहीं दी जाती, टारगेट के लिए उनको मारा जा रहा है और 4.5 महीने से उनकी सैलरी बंद है, 7 महीने से उनकी सैलरी बंद है। अगर उनकी सैलरी बंद है तो आज मुझे मैं पूछना चाहता हूं ना, ये फिल्म वालों से कितने लोग आए हैं उन कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ दुख की घड़ी में शरीक होने, उनके दुख उनके इस मुश्किल टाइम में उनका साथ देने, या क्यों नहीं ऐसा हुआ कि ये सरकार ने जो फिल्म जो थी जिसके ऊपर टैक्स भी माफ था या जो फिल्म से जिन्होंने जो कारोबार किया है, तो क्यों नहीं ऐसा होता कि आज कश्मीरी पंडितों के साथ वो खड़े हों। हमने पहले दिन से कहा था ये एक फिल्म है, ये फिल्म बनाने वाले ने पैसे कमा लिए और उस पर राजनीति करने वाले वोटों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या कश्मीरी किसी पंडित भाई का इस फिल्म बनने से या ऑस्कर जाने पर कोई भला हुआ है। फिल्म में ये कहता हूं फिल्म में आतंकवाद दिखा गया, आतंकवाद का कोई धर्म तो होता नहीं, मैं तो इस चीज को मानता, हमारी पार्टी मानती, जिसने गन उठाई वो आतंकी है, आतंकी का कौन सा धर्म है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस फिल्म में दो फिरकों के बीच में तनाव दिखाने की कोशिश की गई है। अब उसको ऑस्कर मिले या इसके लिए नॉमिनेट करें, लेकिन उससे जो सही चीजें वो बदल तो नहीं सकती है ना। आज जो कश्मीरी पंडित का दुख दर्द है उसको उसके साथ खड़े होने के लिए क्या ये आए हैं, मैं आप इसे पूछना चाहता हूं, अगर ये आए हैं तो मैं वेलकम कर देता हूं। भाई इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो अग्निहोत्री साहब जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, वो करोड़ों रुपए कमा के तो किसी दूसरी फिल्म पर लगे होंगे या अपना को उपार कर रहे हैं, वो नहीं कश्मीर आए हैं कश्मीरी पंडितों के लिए या इनके दुखी में करने के लिए। आज जम्मू कश्मीर के लोग ही इनके साथ हैं और जिन लोगों ने इस फिल्म पर राजनीति की है, मैं उनकी बात करें जिन्होंने राजनीति की है, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज तो सरकार भी आपके हाथ में, तो क्यों 7 महीने से उनकी तनख्वाह बंद की है, क्यों नहीं आप उनको स्कूटी दे पा रहे, पहली सरकारों ने तो उनको रोजगार दिया था, आप स्कूटी भी नहीं दे पा रहे, जब वो प्रोटेस्ट पे तो आपने उनकी तनख्वाह बंद की है। यही है कि आज लोगों को समझना चाहिए ये फिल्में सच्चाई नहीं होती है, फिल्म फिल्म होती है, उसको उसी तरह से बनाया जाता है।